महिला शक्ति सेना द्वारा आज 1 अगस्त को काला दिवस मनाने के भागरूप विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं की अटकायत की थी। महिला शक्ति सेना की चंद्रिकाबेन सोलंकी द्वारा तथा अन्य महिला कार्यकर्ताओं द्वारा आज 1 अगस्त को काला दिवस मनाने के भागरूप राज्य सरकार विरोधी प्रदर्शन करते हुए सूत्रोच्चार लगाए गए। 1 अगस्त 2018 को राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बख्शी पंच की महिलाओं के साथ अन्याय करते हुए वे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर ठहराव पारित किया गया था। जे ठहराव को रद्द करने की मांग करते हुए आज महिला शक्ति सेना द्वारा काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था, लेकिन हरणी पुलिस द्वारा चंद्रिकाबेन सोलंकी की तथा अन्य महिला कार्यकर्ताओं की उनके निवास स्थान से अटकायत करते हुए कार्यक्रम पर रोक लगाई गई, जिसमें चंद्रिकाबेन सोलंकी ने विरोध करते हुए सरकार और पुलिस पर कई आरोप लगाए थे। गुजरात राज्य सरकार ना सामान्य वहीवट विभागे 1/8/2018 ने गैरबंधारण ठराव बहार पाड्यो छे, जे ठराव नो मे विरोध करीए छे, केम के आ ठराव ना कारणे एससी एसटी ओबीसी ने माइनोरिटी नी महिलाओना भविष्य साथे चेड़ा छे। एटला माटे जारे पण अमे सरकार ने रजूआत करवा माटे जईए छे तो सरकारे अमारा प्रश्नों ने सांभळवा जोईए, अमारी रजूआत ने ध्याने लई अने योग्य पगला भरवा जोईए। एनी जग्याए हमेशा पुलिस ने आगळ करीने अमारी धरपकड़ करवामां आवे छे, डिटेन करवामां आवे छे, त्यारे अमारी मांगणी छे के आ गैरबंधारणीय ठराव तात्कालिक रद्द थवो जोईए, केम के आ भारत देश कोईना कायदाथी नथी चालतो परंतु बंधारणना कायदाथी चाले छे, अने आ ठरावनी अंदर बंधारणना अनुच्छेद 15/4, 16/4 અને સમાનતાના અધિકારનો સરાસર ભંગ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે સમગ્ર એસસી એસટી ઓબીસી માઇનોરિટી સમાજ આજે 1/8/2020 ને કાળા દિવસ તરીકે મનાવીએ છે। ઇતિહાસની અંદર આ અમારો એક બ્લેક ડે છે અને અમારી માંગણી છે કે આ ઠરાવ તાત્કાલિકના ધોરણે રદ કરવામાં આવે। જો આ ગેરબંધારણીય પરિપત્ર જો રદ કરવામાં નહીં આવે તો આવનારના સમયમાં સમગ્ર ગુજરાતના કરોડો એસસી એસટી ઓબીસી માઇનોરિટી એક થઈ અને ઉગ્ર આંદોલન કરીશું, એમાં નવાય નહીં। એસટી એસટી ઓબીસી એકતા જિંદાબાદ।